सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर को असेंबल है वो घर पे आप लोग कैसे करते हो, सीपीयू को पूरा असेंबल करना, मदरबोर्ड, रैम, सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को है वो कंटिन्यू देखें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग घर पे ही सीपीयू को वो कैसे असेंबल करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आप चलते हैं और कंप्यूटर को असेंबल करना है वो सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग एक मदरबोर्ड को एक सीपीयू के अंदर फिट करके उसको कैसे असेंबल है वो घर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको मैं एक सीपीयू है वो आपको दिखा रहा हूं कि इसको अंदर से दोस्तों पावर सप्लाई है वो मैंने पहले से यहाँ पे लगा दिया, आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये स्क्रू लगा के यहाँ पे पावर सप्लाई को मैंने पहले ही सेट कर दिया ताकि आप लोगों का ज़्यादा है वो टाइम वेस्ट न हो। अब मैं इसके अंदर जो मदरबोर्ड है वो फिट करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको प्रोसेसर है वो पहले से ही मैंने लगा दिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट है वो न हो। तो अब मैं इसको सीपीयू के अंदर है वो फिट करूँगा, कौन से वायर कहाँ पे आपको कनेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मदरबोर्ड को इसके अंदर है वो फिट कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसके अंदर रख देते हो सीपीयू को, तब आपको यहाँ पीछे देखना है कि ये सारे जो वायर कनेक्ट हो रहे हैं वो एकदम प्रॉपर सबके लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऑडियो वीडियो यूएसबी सारे आपको चेक करने कि कंटिन्यू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने ये बोर्ड जो प्लेट लगाई है वो आप उल्टी सीधी कर दो तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मदरबोर्ड है वो प्रॉपर फिट हो चुका है, अब मुझे सिंपली यहाँ पे वो स्क्रू है वो कसने हैं मदरबोर्ड के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ मदरबोर्ड, तो देखिए आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्क्रू आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्क्रू है वो मैं यहाँ पे आपको पेचकस से वो सारे के सारे स्क्रू है वो मदरबोर्ड के अंदर है वो कसने वाला हूँ। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप है वो बता दूंगा, तो बने रहिए वीडियो पे। मैंने मदरबोर्ड है वो इसके अंदर सेट कर दिया, आप देख रहे होंगे। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट किया ताकि टाइम वेस्ट है वो न हो। अब मैं इसके अंदर जो फैन है वो यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तब आप यहाँ पे लॉक देख रहे होंगे, मैं वीडियो को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ लॉक है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लॉक है वो इस फैन के जो ये लॉक वाले सिस्टम होते हैं इससे प्रॉपर है वो उसके अंदर लॉक होगा। तो कैसे होगा वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये लॉक एक यहाँ पे सेट करना है, ध्यान रहे आराम से लॉक लगने के बाद ही यहाँ पे कसें। तो ये देखिए ये लॉक यहाँ पे सेट हो गए हैं, जूम करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे लॉक है वो पूरा प्रॉपर सेट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये वाला जो लॉक दिया गया है वो आपको यहाँ पे सेट करना है। तो चलिए सेट करते हैं इसको, ये सेट हो गया। उसके बाद में आपको प्रॉपर यहाँ इसको ऊपर कर देना है। तो फैन है वो प्रॉपर टाइट हो चुका है, ये देखिए हिल भी नहीं रहा है। अब आपको क्या करना है, जो फैन की जो पावर सप्लाई है ये देखिए जो पावर आपको दिखाई दे रही है वो मदरबोर्ड के अंदर आपको, तो अब आपको जो फैन की जो पावर सप्लाई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो वीडियो के अंदर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको इसको वो कनेक्ट कर देना है। और वैसे आपको समझ में नहीं आता है कोई मदरबोर्ड के अंदर पावर सप्लाई यहाँ वहाँ अलग अलग होती है, तब आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, आपको यहाँ पे फैन वाला ऑप्शन है वो दिखाई देगा। ये देखिए सीपीयू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको मदरबोर्ड के अंदर, मैं वायर हटा देता हूँ। ये देखिए सीपीयू यानी जो सीपीयू प्रोसेसर का जो फैन होता है वो यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड पे आप पढ़ लेना, उसके बाद वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देना। अब बात करते हैं कि जो अपने पावर सप्लाई से जो वायर आते हैं उनको कहाँ कहाँ कनेक्ट करेंगे वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो सबसे बड़ा वाला जो वायर आपको दिखाई दे रहा है वो आपको सिंपली मदरबोर्ड के अंदर, तो आपको जो सबसे बड़ा वाला जो वायर आपको दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा वाला वायर आपको यहाँ वाइट वाले पोर्ट पे आपको आगे आगे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये बॉडी थोड़ी आगे आ गई है क्योंकि इसका मदरबोर्ड है वो काफ़ी बड़ा मदरबोर्ड है, तो सब में अलग अलग आता है। तो यहाँ पे आपको एक अलग सा पोर्ट दिखाई देगा जो इसे प्रॉपर मैच करता होगा, ये देखिए ये प्रॉपर इससे मैच करने वाला है, बाकी कोई भी पोर्ट है वो इसे प्रॉपर मैच नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है उस वाले पोर्ट पे वो कनेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहले, तो ये आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, लगा बहुत ही कठिन तरीके से क्योंकि मदरबोर्ड है बहुत ही बड़ा मदरबोर्ड है इसके अंदर, तो इसलिए लगाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो वायर जुड़ने वाले हैं वो मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ।
ये जो वायर है वो देख रहे हो आप सीपीयू के अगले हिस्से से आए हुए हैं, तब आपको यहाँ पे एक यूएसबी नाम से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो हम लोग आगे की साइड में सीपीयू में जो यूएसबी वगैरह कनेक्ट करते हैं उनके लिए ये हिस्सा आता है, जहाँ पेन ड्राइव वगैरह आगे के हिस्से में सीपीयू में कनेक्ट करते हैं उसके लिए होता है। तो इसको मदरबोर्ड के अंदर आपको यहाँ यूएसबी नाम से एक पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आइए। तो ये देखिए यहाँ पे ये यूएसबी नाम से मिला हुआ मदरबोर्ड पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो सिंपली इसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको वो कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे आगे के हिस्से में जितनी भी यूएसबी पोर्ट वगैरह है वो सारे प्रॉपर है, वो काम कर सके। मैंने ये यहाँ पे यूएसबी वाला हिस्सा है वो कनेक्ट कर दिया है। तो ये देख रहे हो आप यूएसबी वाला यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये कौन सा हिस्सा है, ये ऑडियो। ऑडियो सीपीयू के आगे के हिस्से में हम लोग ऑडियो लगाते हैं ना माइक और ईयरफोन वगैरह के लिए, तो ये आगे वाला सिस्टम है। तो ये मदरबोर्ड के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑडियो। तो ये ऑडियो, तो जैसे इसको आपको प्रॉपर मिला के करना है। जैसे देखिए आप इस लीड के अंदर ये प्रॉपर देख रहे हो, और ये हिस्सा यहाँ पे एक भी पिन भी यहाँ से भी एक पिन है वो गायब है। तो इस वाले हिस्से को और उस वाले हिस्से को प्रॉपर देख के मैच करके और यहाँ पे आपको वो लगा देना है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर है वो लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पे लग चुका है। अब अपने बात करते हैं पावर की। तो ये सीपीयू के अंदर पावर आगे से सीपीयू से हम लोग जैसे ही पावर ऑन करते हैं उसके लिए ये सीपीयू के अंदर आता है। तो ये मदरबोर्ड के अंदर हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब ये पावर वाला बटन है, आप यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ये लाइन आपको दिखाई दे रही है तो उसमें जो फर्स्ट वाला जो लाइन वाला केस आ रहा है आपके सामने वो पावर के लिए होता है। तो ये पावर वाला वो सिस्टम है वो मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए तो ये पावर वाला है वो यहाँ पे प्रॉपर है वो कनेक्ट हो चुका है। अब अपने यहाँ पे सारा का सारा प्रॉपर क्रम से आता है, उसके बाद रीस्टार्ट, यानी पीसी कभी बार हैंग हो जाता है या पीसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कंप्यूटर वो चल नहीं पाता, उसके लिए हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट प्रॉपर ठीक इसके आगे वाली जो लाइन है वो रीस्टार्ट की है, तो रीस्टार्ट वाला भी मैं उससे आगे वाली लाइन में वो कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रीस्टार्ट वाला भी है वो कनेक्ट हो चुका है। बाकी अपने ये जो सिस्टम होता है वो जैसे आगे एलईडी वाले जगने वाले होते हैं वो सारा सिस्टम है, इसमें एक वायर है वो टूटा हुआ है पहले से ही पावर सप्लाई से, तो इसको हम लोग कनेक्ट वो नहीं करेंगे। तो जो एलईडी वाले आते हैं वो ठीक उसके आगे वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर एलईडी वाले हैं वो लगाए जाते हैं। तो अभी मैं इस एलईडी वाले को छोड़ रहा हूँ, लगा नहीं रहा हूँ। यदि आप लगा रहे हो तो पावर वाले क्रम से आगे वाले हिस्से में लगा सकते हो। उसके बाद बात आती है एचएसडी हार्ड डिस्क की। तो अपने इसके अंदर एचएसडी हार्ड डिस्क है वो लगाने वाले हैं, वो भी कैसे लगाएंगे वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वो बताने वाला हूँ। उससे पहले एक पावर बोर्ड को पावर देने के लिए पावर सप्लाई से यहाँ पे आप लोगों को एक दिखाई दे रहा होगा जिससे बोर्ड के अंदर पावर आती है, तो वो यहाँ पे आपको लगा देना है। ये देखिए तो ये वायर देखिए प्रॉपर पावर सप्लाई से आया हुआ है जिससे बोर्ड के अंदर है वो करंट मिल सके, ताकि बोर्ड वगैरह में करंट मिलेगा तो बोर्ड वो वर्क करेगा। तो अब अपने हार्ड डिस्क से वो जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क को वो टाइट स्क्रू से वो प्रॉपर कस देता हूँ। वो टाइट हो चुकी है। अब हार्ड डिस्क को यहाँ पे आपको लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप की एक केबल है उसकी जरूरत पड़ेगी, जिससे हार्ड डिस्क के अंदर और मदरबोर्ड के अंदर वो हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको हार्ड डिस्क के इस वाले हिस्से में देखो इस यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये जो वायर है वो जाएगा प्रॉपर मदरबोर्ड के अंदर। वो भी कहाँ जाने वाला है के अंदर है वो मदरबोर्ड के अंदर हम लोग इसको टाइट करेंगे। वहाँ आगे दिखाई दे रहे होंगे आपके येलो कलर के, यहाँ देखिए। तो इसके अंदर किसी में से एक पर यहाँ पे इसको वो हम लोग लगा देंगे। तो चलिए पहले मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पे लग चुकी है प्रॉपर, अपनी हार्ड डिस्क है वो कनेक्ट हो चुकी है।
अब एक पावर सप्लाई से इस टाइप का जो वायर आता है, यहाँ पे आप देखिए, मैं वीडियो के अंदर आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप से देखिए, दोनों इस टाइप के बल्ले, इसको डीवीडी राइटर में भी लगाते हैं और हार्ड डिस्क के अंदर भी लगाते हैं। तो मैं एक जो वायर है वो यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर है वो लगाने वाला हूँ। तो ये मैंने हार्ड डिस्क के अंदर है वो यहाँ पे लगा दिया। आप गौर कर रहे हो, इधर देख रहे हो तो आपको नजर आ जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर मैंने प्रॉपर लगा दिया। अब यहाँ पे मैं डीवीडी राइटर नहीं लगा रहा हूँ, तो मैंने डीवीडी राइटर के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं लगाया। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डीवीडी राइटर वैसे लगा हुआ है, मैं वीडियो यहाँ पे दिखा दूँ तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि डीवीडी राइटर है वो लगा हुआ है, लेकिन मैंने डीवीडी राइटर के लिए कोई वायर है वो कनेक्ट नहीं किया है। प्रॉपर वैसे ही जैसे हार्ड डिस्क में कनेक्ट किया है, एज टू एज वैसे का वैसा ही आप लोग डीवीडी राइटर के अंदर है वो कनेक्ट होगा। यानी एक एज टू एज ऐसी केबल लगेगी डीवीडी राइटर के अंदर जो मदरबोर्ड के अंदर लगेगी, और जो ये वाली केबल है वो भी एक है वो डीवीडी राइटर के अंदर लगेगी और आपका डीवीडी राइटर वो सीपीयू से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब सारा जो वायर है वो फैन से थोड़ा सा हट के कर देते हैं, जिससे फैन है वो स्टार्ट होता है, फैन के बीच में कोई भी वायर है वो ना आ जाए। अब बात करते हैं रैम की, तो इसके अंदर हम लोग अब रैम लगाने वाले हैं। तो रैम के जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक पोर्ट में से है वो रैम है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो बाकी जो वायर है उनको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ रैम को लगाने से पहले एक विशेष बात ध्यान रखना, रैम पे यहाँ पे आपको एक खांचा सा दिखाई दे रहा है ना, एक हिस्सा, तो यहाँ पे प्रॉपर उस शॉट के अंदर भी जो रैम का शॉट आता है सीपीयू के अंदर, उसमें भी एक प्रॉपर एक खांचा आता है। ये देखिए वीडियो के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये खांचा उस खांचे से मिला के प्रॉपर रैम को लगाना है, वरना रैम है वो क्रैक हो सकती है, इस बात का ध्यान रहे। तो मैं देखिए आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, जो रैम का हिस्से वाला जो खांचा होता है और ये वाला जो खांचा होता है वो प्रॉपर आपको मिला के, यदि ये मिल नहीं रहा तो रैम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये रैम है वो प्रॉपर लग चुकी है, आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे फैन के जस्ट पीछे, मैं कैमरा थोड़ा सा साइड में करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये रैम है वो प्रॉपर लग चुकी है, अब लगभग अपना काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब सिंपली हम लोग सीपीयू को देने वाले हैं पावर, और आपको एलसीडी जो आपको सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, तो इसके अंदर हम लोग सीपीयू को वो कनेक्ट करेंगे और आपको चला के दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे, अब मैं आपको यहाँ पे सारा पावर सप्लाई है वो कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो सीपीयू के पीछे जितना भी हिस्सा है पोर्ट है वो कनेक्ट करने वाला हूँ। यदि आपको ये कनेक्ट नहीं करने आता है तो वीडियो के आई बटन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर मैंने सारा कंप्यूटर को कैसे घर पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, पावर सप्लाई लीजिए, सब कुछ बताया हुआ है, आई बटन के अंदर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं ये वीडियो नहीं दिखाता हूँ, डायरेक्ट कनेक्ट करके इसको पावर देके ऑन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देखिए प्रॉपर वो सीपीयू अपना वो ऑन हो चुका है, अब देखिए प्रॉपर अपना सीपीयू वो चलने लगा है, वर्क करने लगा है। तो अब ये सीपीयू प्रॉपर ऑन हो चुका है, इसके अंदर आपको विंडो वगैरह लगाना होता है, वो सब आपको अपने हिसाब से विंडो वगैरह है वो इंस्टॉलेशन कर लेना है। विंडो यदि आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना आता है तो आई बटन के अंदर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ऊपर ही ऊपर आपको लिंक आ रहा है, वहाँ पर जाके आप विंडो है वो इंस्टॉलेशन करना सीख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।